100% कहानी, 100% मज़ा, 100% मैजिक। किस्सा एक कहानी का। दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी, वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड का। दोस्तों, आज का किस्सा है वहां से मत गुजरना। सूरज की लाली आसमान का साथ छोड़ चुकी थी। बैराग जल्दी में था। वैसे तो घर पहुंचने में उसे 40-45 मिनट लगते थे, पर आज खुदाई होने की वजह से उसे दूसरी ओर से होकर जाना था। सुबह भी उसे दुकान पहुंचने में 2 घंटे लग गए थे और सेठ जी की डांट खानी पड़ी थी 100 अलग। बैराग ने जल्दी जल्दी में दुकान बढ़ाई, सेठ जी को चाबी दी और तेजी से अपनी साइकिल लेकर घर की ओर निकल पड़ा। कुछ आधा घंटा हो गया था उसे साइकिल चलाते हुए। पक्की सड़क और मोटर गाड़ियां धीरे धीरे पीछे छूट गई थी। वो देहात के पास वाली सड़क पर आ चुका था। हालांकि यही सड़क उसके गांव को शहर से जोड़ती थी, पर शाम के बाद यहां कुछ वीरानी सी फैल जाती थी। कहीं दूर से कोई बैलगाड़ी आती जाती दिख जाती थी। ज्यादातर लोग समय से घर पहुंच जाया करते थे, पर बैराग को ये रास्ता पार करके दूसरे गांव जाना था। अब देहात की सड़क भी पीछे छूट गई थी। बैराग नाले के पास के जंगल की कच्ची पगडंडी पर उतर गया था। दूर कहीं बीच बीच में किसी बैल गाड़ी की घंटी सुनाई दे जाती थी। अंधेरा आसमान से जमीन पर उतर आया था। बैराग थोड़ा सहम सा गया था और जल्दी जल्दी पैडल मार रहा था कि बस किसी तरह घर पहुंच जाए। कच्ची सड़क पर अंधेरे में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि गड्ढे ही गड्ढे थे और बीच बीच में कहीं कहीं ही स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम था। बैराग ने साइकिल के हैंडल पर टॉर्च बांध रखी थी और ऊपर वाले का नाम लेकर चलता जा रहा था। तभी अचानक उसे लगा साइकिल के सामने से कोई तेज़ी से भागा है और पगडंडी के इस पार से उस पार पेड़ों के बीच से निकल गया है। वह एक पल के लिए ठिठका। जल्दी में वह किसी से टकरा ना जाए, उसने एकदम ब्रेक लगा दी। बस किसी तरह गिरते गिरते बचा वो। इतने में फिर कोई उस पार से पगडंडी के इस पार निकल गया। उसके सर से पैर तक बिजली दौड़ गई। उसने फटाफट साइकिल संभाली और चलने के लिए पैडल मारे, पर ये क्या, साइकिल अपनी जगह से हिली भी नहीं। उसने फिर से कोशिश की पर नाकाम रहा। ध्यान से देखा तो साइकिल की चेन उतर चुकी थी। वह बैठा और साइकिल स्टैंड पर लगाकर चेन ठीक करने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, बैराग, मैं कुछ मदद करूं? वो बेचारा वहीं जम गया। हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा तो पीछे पेड़ के पास एक लाल रोशनी हवा में तैर रही थी। वह बुरी तरह कांप गया। उसका दिल धक 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 कर रहा था। वह फिर मुड़ा
और हड़बड़ाहट में चेन ठीक करने लगा। शुक्र था ऊपर वाले का कि चेन ठीक हो गई। वह जल्दी से उठा और साइकिल पर बैठ गया। जल्दबाजी में उसकी नजर उसी पेड़ की तरफ गई तो वहां कई तरह की रोशनियां हवा में टिमटिमा रही थी। आवाज आई, आओ बैराग, हमारे पास आओ। घबराओ मत बैराग, हमारे पास आओ। बैराग पसीने से तर हो चुका था, उसके पांव पेडल पर जम चुके थे। एक पल को उसे लगा कि उसका दिल उसकी छाती से निकलकर बाहर गिर पड़ेगा। कुछ पल बाद उसे होश सा आया तो उसने साइकिल चलाने के लिए फिर पेडल मारे। शुक्र की बात है, साइकिल चल पड़ी। टायर चल रहे थे, उसने जोर जोर से पेडल मारने शुरू कर दिए। वह कुछ भी करके यहां से निकल जाना चाहता था। उसने आंख बंद कर ली और साइकिल भगानी शुरू कर दी। कुछ 8-10 मिनट वो ऐसे ही साइकिल भगाता रहा। उफ, शुक्र है वहां से निकला, बैराग ने खुद से कहा और थोड़ी हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। पर ये क्या हो गया था? बैराग साइकिल समेत जमीन से 10 फुट ऊपर हवा में तैर रहा था। उसने देखा तो चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां हवा में तैर रही थी। आओ बैराग, हमारे साथ आओ, उतरो साइकिल से, हमारे साथ आओ। बैराग की साइकिल से टॉर्च निकलकर हवा में तैर रही थी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, बैराग ने कहा। उसने देखा टिमटिमाती रोशनियों से बने दो हाथ आए और उसे साइकिल से धीरे से उतारा। बैराग सुन्न हो चुका था, वो हवा में खड़ा था। उसकी टॉर्च और साइकिल दोनों हवा में तैर रही थी। तभी वो टिमटिमाती रोशनियां आईं और उन्होंने एक सीढ़ी बना ली। फिर आवाज आई, चले आओ बैराग, डरो मत, आज तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुला है बैराग, घबराओ मत। बैराग सम्मोहित सा हो गया था, उसने सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया था। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, वो सीढ़ियां चढ़ता चला गया। उन टिमटिमाती रंग बिरंगी रोशनियों से सीढ़ी बनती जाती थी और वो उस पर चढ़ता चला जाता था, एकदम बेसुध। कुछ 20-25 मिनट बाद सीढ़ियां खत्म हो गईं। अब वह उन्हीं रोशनियों के एक पायदान पर खड़ा था। उसने नीचे देखा तो उसकी साइकिल और टॉर्च दिखने बंद हो चुके थे। ऊंचे से ऊंचे पेड़ उसके कदमों से बहुत नीचे दिख रहे थे। गांव और देहात की सड़क वो नीचे किसी लहराते हुए सांप सी पतली हो चुकी थी। नीचे देखते देखते उसकी नजर अपने पैरों की ओर गई
तो पैरों की ओर से धीरे धीरे वह रोशनी में तब्दील होना शुरू हो चुका था। टिम टिमाते जुगनू सी रंगीन रोशनियां, बात करती खिल खिलाकर हंसती रोशनियां। क्या हो रहा था बैराग के साथ? क्या ये कोई सपना था या हकीकत या कोई जादू? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा। वहां से मत गुजरना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मजा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलता हूं और वापस आता हूं आगे की कहानी के साथ। 100% मिस्ट्री, 100% मैजिक, 100% मजा।